द क्वेश्चन इज गिवेन द सम ऑफ एजेस ऑफ अनूप एंड हिज फादर इज 100 ईयर्स। ये हमारा पहला कंडीशन। व्हेन अनूप इज एज ओल्ड एज हिज फादर नाउ ही विल बी 5 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन अनुज नाउ। ये हमारा दूसरा कंडीशन है। अनुज विल बी 8 ईयर्स ओल्डर देन एज ओल्ड एज अनूप नाउ व्हेन अनूप इज एज ओल्ड एज हिज फादर। ये हमारा तीसरा कंडीशन है। एंड क्वेश्चन इज व्हाट आर देयर एजेस। तो क्वेश्चन पूछा गया है उनका प्रेजेंट एजेस कितना है। तो ये जो क्वेश्चन दिया गया है तीनों कंडीशन को अप्लाई करके ये क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले जान लेते हैं कि यहाँ पे कैरेक्टर्स कौन कौन है या फिर कितने कैरेक्टर्स। तो पहला कैरेक्टर है अनूप, दूसरा है हिज फादर एंड थर्ड वन इज हिज सन अनुज, अनूप का जो बेटा है अनुज। तो ये तीनों कैरेक्टर को पहले लिख लेते हैं। तो पहले लिख लूंगा मैं यहाँ पे अनूप, नेक्स्ट अनूप फादर, तीसरा कैरेक्टर है अनुज, अनुप सॉन हुज नेम इज अनुज। तो देख लेते हैं कंडीशन पहला वाला क्या दिया गया है। पहला कंडीशन है कि द सम ऑफ एजेस ऑफ अनुप एंड हिज फादर इज 100 ईयर। तो अनुप और उसके फादर के एज को ऐड करेंगे तो 100 होगा। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ वो कंडीशन को। उनका प्रेजेंट एज के बारे में दिया गया है यहाँ पे। तो प्रेजेंट एज जो कि हमारा केस वन है, तो दिया गया है कि अनूप एंड अनूप फादर से एज को ऐड करेंगे तो हमें 100 मिलेगा। तो फिर अगर मैं अनूप का एज को एक्स लेता हूँ, कैन आई राइट अनूप फादर एज इज 100 माइनस एक्स। दिस विल बी करेक्ट क्योंकि दोनों का ऐड करेंगे तो 100 आएगा। तो पहला कंडीशन से हमें ये मिलता है कि अनूप का प्रेजेंट एज अगर एक्स होता है तो उसके फादर का प्रेजेंट एज होगा 100 माइनस एक्स। तो अभी देखते हैं दूसरा कंडीशन क्या दिया गया है। दूसरा कंडीशन है व्हेन अनूप इज एज ओल्ड एज हिज फादर नाउ ही विल बी 5 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन अनुज नाउ। तो यहाँ पे देखो हमें जो एजेस रिलेटेड क्वेश्चन दिया जाता है, हमेशा क्वेश्चन दिया जाता है कि 5 इयर्स लेटर, 10 इयर्स एगो, तो वहाँ पे हम उसके हिसाब से कंडीशंस लिखते हैं। लेकिन यहाँ पे कितने साल के बाद है वो नहीं दिया गया, लेकिन दिया गया कि व्हेन अनूप इज एज ओल्ड एज हिज फादर, मतलब अनूप जब उसके फादर के एज के बराबर हो जाएगा। तो फादर का एज कितना है, ओबवियसली उससे बड़ा होगा, मतलब फ्यूचर के बारे में दिया गया है ये। तो जब अनूप का एज 100 माइनस एक्स हो जाएगा, तो इसको मैं यहाँ पे थोड़ा सा लिख लेता हूँ। केस टू जो है हमारा, ऑब्वियसली ये फ्यूचर रिलेटेड है क्योंकि अनूप का एज जो है उसके फादर के एज के बराबर होने वाला है और उसके फादर का एज ऑब्वियसली उससे बड़ा होगा। तो दिया गया है कि व्हेन अनूप इज एज ओल्ड एज हिज फादर, जब अनूप उसके फादर के एज के साथ सेम हो जाएगा अनूप का एज, मतलब जब अनूप का एज 100 माइनस एक्स हो जाएगा, ही विल बी 5 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन अनुज नाउ। उसका एज जो है, उसके बेटा जो अनुज है, उसका प्रेजेंट एज का 5 गुना हो जाएगा। तो अनुज का प्रेजेंट एज जितना भी है उसमें 5 मल्टीप्लाई करोगे तो फिर तुम्हें अनुप का जो फ्यूचर का एज मिलेगा, मतलब अनुप का एज जब 100 माइनस एक्स होगा दैट विल बी अनुज एज 5 टाइम्स। तो फिर इससे मैं ये लिख सकता हूँ क्या, कि अगर दूसरे तरीके से लिखना चाहूँ, कैन आई राइट अनुज प्रेजेंट एज इज 100 माइनस एक्स बाय 5। मतलब अगर 100 माइनस एक्स अनुज का प्रेजेंट एज का 5 गुना है तो अनुज का प्रेजेंट एज कितना होगा, 100 माइनस एक्स को 5 में डिवाइड कर लो तो जितना है दैट इज अनुज प्रेजेंट एज। अभी तुम इसमें 5 मल्टीप्लाई करके देखो, अनुज का एज में अगर मैं 5 मल्टीप्लाई करके देखूंगा तो ये मुझे मिलेगा 100 माइनस एक्स। तो हमारा जो कंडीशन है वो बराबर है कि अगर ये दिया गया है कि अनूप का एज जब 100 माइनस एक्स होता है, अनुज का प्रेजेंट एज का 5 गुना होता है, तो अनुज का प्रेजेंट एज वहां से हमें मिल जाता है कि 100 माइनस एक्स बाई 5। ये हो गया हमारा दूसरा कंडीशन से ये हमें डेटा मिल जाता है। तो तीसरा कंडीशन क्या दिया गया है, तीसरा कंडीशन ये दिया गया है कि अनुज विल बी 8 ईयर्स ओल्डर देन एज ओल्ड एज अनूप नाउ। मतलब अनुज का एज एक्स से 8 ज्यादा होगा क्योंकि अनूप का प्रेजेंट एज कितना है, एक्स है, तो एक्स से 8 ज्यादा होगा किसका एज, अनुज का एज। कब होगा, व्हेन अनूप इज एज ओल्ड एज हिज फादर, जब अनूप का एज उसके फादर का एज जैसे फादर का एज के साथ सेम होगा, मतलब अनूप का एज जब 100 माइनस एक्स होगा। तो फिर ये जो एक्स प्लस 8 है वो कोई दूसरे टाइम का नहीं दिया गया है, यही टाइम का दिया गया है कि जब अनूप का एज उसके फादर का एज के साथ सेम होगा, मतलब अनूप का एज जब 100 माइनस एक्स होगा उसी टाइम में अनुज का एज कितना होगा, 8 इयर्स ओल्डर देन एज ओल्ड एज अनूप नाउ। अनूप अभी जितना है
उससे 8 ज्यादा होगा। ठीक है, तो ये हो गया तीसरा कंडीशन। तीसरा कंडीशन को और एक बार बता देता हूँ, ये दिया गया। पहले हम राइट साइड वाला कंडीशन पढ़ेंगे तो भी समझ में आएगा। देखो, व्हेन अनूप इज एज ओल्ड एज हिज फादर, जब अनूप का एज 100 माइनस एक्स होता है, उसी टाइम में अनुज विल बी 8 इयर्स ओल्डर देन एज ओल्ड एज अनूप नाउ। अनुज का एज अनूप का प्रेजेंट एज से 8 ज्यादा होगा, मतलब जब अनूप का एज 100 माइनस एक्स होगा तब अनुज का एज एक्स प्लस 8 होगा। ये दिया गया है कंडीशन। तभी देखते हैं इसको यूज करके कैसे हम इक्वेशंस बनाएंगे एंड इससे हमें जो चाहिए आंसर, मतलब ये तीनों जो है अनुज, अनूप एंड अनूप फादर, इन तीनों का हमें एज को, प्रेजेंट एज मतलब ये जो तीनों है ऊपर लिखा गया, इनको हमें कैलकुलेट करना है। तो फिर देखो, यहाँ से हमें ये मिल सकता है कि अनुज का एज जब 100 माइनस एक्स बाई 5 था, अनूप का एज एक्स था। जब अनुज का एज एक्स प्लस 8 है, अनुज फादर से एज 100 माइनस एक्स, तो ये जो दोनों का एज में जो भी इंक्रीज हुआ होगा वो सेम ही हुआ होगा, क्योंकि ये प्रेजेंट एज है, ये फ्यूचर में कोई एक दिन में इनका एज है। तो फिर यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए जितना टाइम लगा होगा अनुज को, मतलब जितना ईयर्स पास किया गया पास होगा, उसी टाइम के अंदर ही अनुप का एज जो है एक्स से 100 माइनस एक्स में, मतलब 100 माइनस एक्स हो गया है। तो फिर यहाँ से मैं ये लिख सकता हूँ, अनुज का जो फ्यूचर एज है दैट इज एक्स प्लस 8, उससे मैं अगर अनुज का प्रेजेंट एज को माइनस करूँगा 100 माइनस एक्स बाय 5, दैट विल बी एग्जैक्टली सेम ऑफ अनुप्स फ्यूचर एज माइनस अनुप्स प्रेजेंट एज। और एक बार इसको बता देता हूँ, मतलब ये 100 माइनस एक्स बाई 5 अनुज का प्रेजेंट एज है एंड x जो है अनुप का प्रेजेंट एज है। फ्यूचर में कोई एक दिन में अनुज का प्रेजेंट एज, अनुज का जो एज है x प्लस 8 है एंड अनुप का जो एज है 100 माइनस एक्स है। तो ये जो अनुज का ये दो टाइम के बीच में एज गैप जितना है, अनुप का ये दो टाइम के बीच में भी एज गैप उतना ही होगा। ऐसा तो नहीं हो सकता है ना, अनुज अगर 5 साल बढ़ा है तो, मतलब अनुज का एज में अगर 5 साल इंक्रीज हुआ है तो अनुप के एज में 10 साल इंक्रीज हो जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा, क्योंकि इसका जितना टाइम इंक्रीज हुआ होगा उसका भी उतना टाइम ही इंक्रीज होगा। तो यहाँ से हमें यह कंडीशन मिलता है कि 100 माइनस एक्स बाई फाइव जितना है, 100 माइनस एक्स माइनस एक्स भी उतना ही है। अभी इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करेंगे तो देखो, यहाँ पे 5 एलसीएम चला जाएगा तो हमें मिलेगा 5x प्लस 40 माइनस 100, फिर ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस एक्स, एंड राइट साइड में हमें मिलेगा 100 माइनस 2x। नेक्स्ट देखो, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5x प्लस एक्स जो है वो हो गया 6x माइनस 60, एंड 5 को राइट साइड में मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये हो जाएगा 500 माइनस 10x। अभी आगे सॉल्व करते हैं, तो x को एक तरफ ले आते हैं एंड नंबर्स को दूसरी तरफ ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 6x प्लस 10x, एंड राइट साइड में हो जाएगा 500 प्लस 60 दैट इज 560, तो 16x इक्वल टू 560। तो x को सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू 560 बाय 16, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे तो x मिल जाएगा हमें 16 3 जा 48 80 16 5 जा 8, तो x का जो वैल्यू है दैट इज 35 इयर्स। तो अभी जो अनूप का एज है 35 इयर्स हो गया, यहाँ से हमें बाकी दोनों का मिल जाएगा, तो अनूप एज इज 35 एंड हिज फादर्स एज इज 100 माइनस 35 व्हिच इज 65 एंड दिस वन इज 100 माइनस एक्स दैट इज 65 बाय 5 इज 13 इयर्स। सो दिस इज अनुप्स प्रेजेंट एज, दिस इज अनुप्स प्रेजेंट एज एंड दिस इज अनुप्स फादर्स प्रेजेंट एज। आई होप ये क्वेश्चन तुम लोग अभी समझ पाए होंगे, अगर नहीं समझे हो तो और एक बार शुरू से अगर देखेंगे जो हमारा कंडीशंस कैसे बनाए, वही हमारा मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ पे, वो अगर अच्छे से समझ ले तो उसके बाद तो हमें बस सिंपल इक्वेशन को सॉल्व करके एक्स का वैल्यू कैलकुलेट करना है। थैंक यू।